चलो भाई, हमने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन किया था, जूम करना भी दिख रहा है, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% वॉल्यूम AgNO3 का लिया और 50 ml आपने परसेंटेज में 5.8% लिया है NaCl का, वो बोल रहा है प्रेसिपिटेट कितना होगा। तो आज की रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सबको पता चल गया होगा भाई, अब तो लता नाम है मेरा। आंसर रटने से काम नहीं चलेगा, 7 ग्राम तो भैया आपने ये रट लिया है, ठीक है? अब ये आया कैसे, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही पूछा जाए। आपको रिएक्शन क्या करनी है, पहले लिखनी है इसमें रिएक्शन जो है क्या किस चीज के बीच में हो रही है, AgNO3 और NaCl के बीच में जब रिएक्शन हुई तो आपका क्या बना है, AgCl आपका बना है, जो कि क्या होगा बच्चे आपका प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है? साथ में बाय प्रोडक्ट सोडियम नाइट्रेट है। तो ये प्रेसिपिटेट कितना होगा भाई, AgNO3 कितना यूज किया गया है, 5.8 ग्राम कब, जब सॉल्यूशन कितना था 100 ml का, 5.8 ग्राम कब यूज किया बच्चे, जब AgNO3 इसमें लिखा है ना 5.8%, परसेंट का मतलब है कि अगर मैं मान लूं कि मेरा टोटल सॉल्यूशन 100 ml का था, तब मेरे पास 5.8 ग्राम जो था AgNO3 यूज किया है, कब, सॉल्यूशन कितना है 100 ml का। पर अब मेरे पास सॉल्यूशन जो है ये कितने ml का लिखा है, इसमें कितने ml का यूज हुआ है बच्चे, ऑनली 50 ml का, तो 50 ml में कितने ग्राम आपका लगा होगा भाई, 2.9 ग्राम। वेरी गुड, आपने इसका आधा किया तो इस तरफ भी आपने इसका हाफ कर दिया। ऐसे ही सेम NaCl कितना यूज हुआ है भाई, अरे नहीं भाई 5.8 ग्राम थोड़ी है, ये क्वेश्चन में क्या लिखा भाई, कितना AgNO3 कितना है 16.9। NaCl अगर आपका NaCl बच्चे कितना यूज हुआ है, NaCl अगर आपका 5.8 ग्राम यूज हुआ है 100 ml में, तो 50 ml में कितना यूज हुआ, 2.9 NaCl। ऐसे ही सेम आप AgNO3 के लिए भी कर दोगे, इसको ठीक से लिख लेते हैं, थोड़ा नीचे नीचे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। AgNO3 बच्चे, AgNO3 कितने ग्राम यूज हुआ होगा, AgNO3 ग्राम कितना है 16.9 ग्राम, किसमें 100 ml में, यस। तो 50 ml लिया था हमने AgNO3, तो कितने ग्राम यूज हुआ होगा, 8.45 ग्राम। अब मेरे पास 8.45 ग्राम AgNO3 है 50 ml के अंदर, और 50 ml के अंदर NaCl जो है वो 2.9 ग्राम है, तो दोनों का अगर मैंने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल मुझे पता है कैसे करते हैं, अच्छा AgNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आया भाई, कितना आया भाई, किसी ने किया होगा जिसने सॉल्व किया भाई 7 ग्राम, किसने आंसर बताया था, सॉल्व किया होगा तभी बताया होगा। मोलर मास AgNO3 का कितना है बच्चे, सिल्वर का दे रखा है 108, अरे बोलो भाई किसी ने नहीं किया कैलकुलेट, 169 का कितना था, नैंसी, दीप्ति, मोलर मास ऑफ AgNO3 166 है, योगिता इतना ही है, 166 ही है मोलर मास ऑफ AgNO3, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे किससे, मोलर मास को, अगर आप गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करते हो तो आपके पास क्या निकल कर आ जाता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है भाई, आपके पास क्या निकल के आ जाएंगे, गिवन मास कितना था AgNO3 का, 8.45, बोलो भाई 8.45 डिवाइडेड में 169 प्लस NaCl की नंबर ऑफ मोल्स भी निकालो, इसको इससे डिवाइड कर रहे तो आंसर कितना आ रहा है भाई, कौन बताएगा, 169.84 आपने डिवाइड किया किससे, 8.45 से, ना तो जी 0.05, आपका आंसर कितना आया, 0.05 आ गया, बोलो भाई हाँ या ना। ऐसे ही NaCl के लिए भी किया बच्चे, तो 2.9 आपको वैसे जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि जितना AgNO3 बन रहा है जितने मोल उतना ही मोल AgCl भी बन रहा है, पर फिर भी कर लेते हैं, 2.9 ग्राम आपका NaCl लिया कितने में, 50 NaCl कितना होता है बच्चे, 58.5, यस मैम, इसको भी डिवाइड करके कितना ही आ रहा है, 0.045, यस मैम, ठीक है 0.049 करीब आ रहा है ना, इसको इसलिए मैं 0.05 कह रही हूँ, राइट, यस मैम, AgCl इतना ही यूज हो, 0.05 बच्चे, 0.05 मोल, अगर किसी को है जिसे ना समझ में आई हो ये बात, हमने क्या किया, दोनों की नंबर ऑफ मोल्स निकाले, हैंड रेस करना जरा जिसे समझ में आया है तो, योगिता, शिखा, प्रियांशु, क्लियर है बच्चे, आयशा को समझ में नहीं आया, नाजो को समझ आ गया,
सर उनको भी नहीं समझ में आया। बच्चे हम क्या कर रहे हैं, हमने इक्वेशन लिखी ए, भूमिका क्या बच्चे है नाम। भूमिका, भूमिका बताओ मुझे क्या समझ नहीं आया, जल्दी से बताओ कोई एक ऐसी पॉइंट बताओ कि मैम ये कहाँ से आया, ये समझ नहीं आया, या मैं ये क्यों कर रही हूँ ये समझ नहीं आया, ऐसे बताओ मुझे, बता सकते हो। एक होता है ना हमें पता चलता है कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, एक होता है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और फिर बोल देते हैं नहीं नहीं कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं क्या बोल दिया, ऐसा वाला हुआ है लास्ट, दूसरे नंबर वाला हुआ है या पहले नंबर वाला, मैम मानी ना पहले पहले नंबर नंबर वाला। तो क्या चीज, क्या चीज समझ नहीं आई वो बताओ मुझे, जब हमें पता होना चाहिए ना क्या समझ नहीं आया हमें। देखो हमारे पास फिर से एक बार वाला देख, हाँ यस हाँ बिल्कुल ऐसे ही पूछना है कि 2.9 कैसे आया, या फिर ये वर्ड पूछ लो कि ये कैसे आया। मेरे पास जो 5.8% NaCl सॉल्यूशन था ना बच्चे, समझ रहे हो, यानी चलो भाई हटा दिया था, मैंने सोचा शुरू से बताती हूँ लेकिन अब तुम्हें समझ में चीजें आ गई हैं, तुम मुझसे ऐसे पूछ रहे हो कि ये कहाँ से आया ऐसे बताना है। 2.9 बच्चे ऐसे आया कि आपके पास NaCl जो था ना, आपके पास NaCl जो यस था मैम। वो था 5.8% 50 ml, क्लियर। ये परसेंट का मतलब है कि वेट इन वॉल्यूम, मतलब कि 5.8 ग्राम था, परसेंटेज माने 100 होता है ना, 100 ml में, 100 ml में कितना था, 5.8 ग्राम आपका NaCl प्रेजेंट था। और ऐसे ही AgNO3 जो था बच्चे, AgNO3 आपका कितना प्रेजेंट था आपके पास, AgNO3 कितना था भाई, 16 point, याद है किसी को भाई, मुझे 16.9 ग्राम, नाइन 16.9 ग्राम था 100 ml में, 100 ml में याद रखना बच्चे। लेकिन वहां सॉल्यूशन में 16.9% जो था ना वो था सिर्फ 50 ml, तो भाई 16.9 ग्राम अगर 100 ml, परसेंटेज माने कि 100 ml में, ग्राम 100 ml में प्रेजेंट है, तो 50 ml में कितना प्रेजेंट होगा बच्चे, इसका आधा, मैंने ये 50 ml आधा किया, इसका भी आधा कर दिया 8.45 ग्राम। ऐसे ही मैंने सोडियम क्लोराइड वाले को भी आधा कर लिया, 2.9 ग्राम कितने में, 50 ml में, क्लियर हुई बात, फिफ्टी क्योंकि मेरे पास 100 ml का गिवन था और सॉल्यूशन था कुल 50 ml, मतलब 100 ml की वैल्यू गिवन है 16.9, लेकिन सॉल्यूशन में मेरे पास पड़ा हुआ सिर्फ 50 ml ही है, तो जो मेरे पास 50 ml पड़ा है बच्चे, मैंने उसका क्या करा, पहले निकाल लिया कि उसमें कितने ग्राम प्रेजेंट होगा, तो उसमें प्रेजेंट 8.4 ग्राम था, और सोडियम जो क्लोराइड था वो 2.9 ग्राम प्रेजेंट था, और AgNO3 8.4 ग्राम प्रेजेंट था 50 ml के अंदर। तो मैंने फिर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है भाई, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो मेरे पास AgNO3 का जो मास था वो 8.45 ग्राम आया, और मोलर मास इज दिस, तो आंसर आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आए 0.05, क्लियर हुई ये बात, बोलो भाई हाँ ना ये समझ में आया। नंबर ऑफ मोल में कैसे निकालती हूँ AgNO3 के, मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले बच्चे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मोलर 0.8.45 डिवाइडेड 169.8 किया मैंने, तो मेरे पास आंसर आया 0.05। तो बच्चे ये वन मोल अगर यूज हुआ है तो ये प्रोड्यूस यहाँ पे वन मोल हुआ है, और हमने स्टोइकोमेट्री में पढ़ा है कि जितना मोल ये प्रोड्यूस मतलब लगा है उतना ही अगर यहाँ प्रोड्यूस हुआ है तो इसका रेशियो भी यही होगा नीचे भी। अगर ये 0.05 मोल आपका यहाँ पर AgNO3 था तो यहाँ AgCl कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, 0.05 मोल, 0.05 है ना भाई AgCl, पर उसने मुझसे मास पूछा है, तो मैं मास निकाल सकती हूँ भाई, मैं मास कैसे निकालती हूँ, गिवन मास, अपॉन हाँ बोलो बोलो बिल्कुल, मोलर 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 मास हमारा जो होता है वो क्या होता है भाई, हमें नंबर ऑफ मोल मिलता है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल जो है ऑलरेडी गिवन है, गिवन मास मुझे निकालना है, मोलर मास से क्या करूंगी, मास मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मैम आपका माइक म्यूट है। साथ खेलना, तुम लोगों की चैट भी ऑफ कर दूंगी, स्क्रीन भी ऑफ कर दूंगी, ऐसी शरारती किसी ने किया ना मेरा माइक ऑफ। चलो आ जाओ जल्दी से, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैम कि कैसे करेंगे बेटा हॉस्ट और नहीं, क्या था ना मैंने इसलिए, अगर यहाँ देखो जरा, नंबर ऑफ मोल जो है आपके पास
वो कितने हैं, 0.05 है। मोलर मास बता दो मुझे एक ही सी एल का, कितना आया आपके पास? 43.5। कितना? 143.5 से आपने इसको मल्टीप्लाई, 143.5 से इसको मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर कितना आ जाता है? अप्रोक्स 14 ग्राम, ओ सॉरी 7 ग्राम, कर दियो मल्टीप्लाई, उधर भी कुछ ऐसी बात हो उससे, 7 ग्राम। ठीक है, AgNO3 का मोलर मास कितना है? AgNO3 का मोलर मास है भाई 169.8। ठीक है, लेकिन मुझे निकालना किसके लिए है? AgCl का, क्योंकि यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कितने हुए हैं, ये मुझसे AgCl के बारे में पूछ रहा है कि कितना प्रेसिपिटेट हुआ है, तो AgCl का मास लिखूंगी। बात समझ में आई? दीप्ति क्लियर हुआ? प्रियांशु क्लियर है? बच्चे अर्पिता, तरुण, चलो अब ये क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन को आप गड़बड़ नहीं करोगे ना एग्जाम में भाई, कभी भी आ जाए। नो मैम। ठीक है, इक्वेशन लिख के उसे सॉल्व करना है। अब आ जाओ जरा। मैम इक्वेशन दी रही है? जरूरी नहीं है, किसी में दी भी होती है किसी में नहीं भी दी होती है। आपकी बैक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो भी मेरे पास बुक नहीं भी। किसी किसी में दी होती है क्वेश्चन, किसी किसी में नहीं। चलो एम्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिख रहा है क्या? आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ 0.5 मोल ऑफ, देखो इसमें इक्वेशन नहीं दिया, अब आपको खुद करनी पड़ेगी। 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड, 0.2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, मतलब मोस्ट प्रोबेबली दे भी हो सकती है और नहीं भी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड, बेरियम फॉस्फेट के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं कितने प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें पता है कि हम कैसे करते हैं। हमारे पास अगर दो कंपाउंड दिए हैं तो पहले तो हम उनको उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और फिर हम देखेंगे उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, है ना भाई? अब दोनों रिएजेंट है, दोनों के नंबर, अब ये तो नहीं कह सकते भाई जीरो, हमने किया ना लिमिटिंग रिएजेंट वाला पार्ट। एक काम उसी पेज पे करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सिक्स है ना, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो क्या कह रहा है, आपके पास कितना है बेरियम क्लोराइड और क्या है भाई सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट कितना है Na3PO4, बेरियम क्लोराइड है और क्या है आपके पास सोडियम Na3PO4, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा भाई, क्या बन रहा है भाई? Ba3PO4 होल्ड वाइज यही बन रहा है मेरे पास प्रोडक्ट। अब मुझे इनको बैलेंस करना है, पहली बात तो ये तीन है बेरियम, तो इधर भी पहले तो तीन लगा दो। ठीक है, उसके बाद ये फॉस्फेट यहाँ पर दो है मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी इसको दो कर दो। उसके बाद आया यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा होगा बचा हुआ, NaCl, NaCl 6 लगा दिया। क्लियर है, बैलेंस हो गया? यस मैम। चलो मेरे पास बैलेंस हो गया। वो बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड को, अगर मेरे पास बेरियम क्लोराइड के तीन मोल यूज हो रहे हैं बच्चे, तो सोडियम फॉस्फेट के कितने मोल यूज हो रहे हैं? 2 मोल। दो। अगर मेरे पास सोडियम फॉस्फेट का 1 मोल यूज हो रहा होता तो बेरियम क्लोराइड का कितने मोल यूज हो रहे होते? 1.5। अरे 1.5 मोल, ये दो है ये तीन है, इसको आधा कर दिया तो इसको भी तो आधा करोगे, नहीं बात समझ में आई? ये 3 मोल था तो ये 2 आ गए, पीयूष को तो आ गई भाई, पीयूष अरे बाकी लोगों को आ गई समझ में नहीं आई? यस मैम। 0.5 बेरियम क्लोराइड है और 0.2 सोडियम फॉस्फेट है, 0.5 याद रखना अगर मैं भूल जाऊं तो, 0.5 बेरियम क्लोराइड है और आपके पास ये कितना है 0.2, बोलो भाई इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है आपके पास? अगर ये 1 मोल है तो ये 1.5 मोल होना चाहिए, अगर ये 0.2 मोल है बच्चे तो ये कितना होना चाहिए था आपके पास बेरियम क्लोराइड, कितना होना चाहिए था मैम? 0.3। 0.3। गुड, मैं बोल रही थी जो बच्चा मुझे बता देगा, क्या सारे बच्चे ही बता पा रहे हैं निधि? अगर मेरे पास यहाँ पर सोडियम फॉस्फेट 1 मोल है तो बेरियम क्लोराइड 1.5 होना चाहिए था, और मेरे पास अगर सोडियम फॉस्फेट 0.2 मोल मेरे पास अगर उसने बोला है कि प्रेजेंट है तो बेरियम क्लोराइड कितना होना चाहिए था? 0.3। क्या सबने ये निकाल लिया भाई, ये 0.3 होना चाहिए था? कोई है जिसे नहीं पता चला? हैंड रेज करो फटाफट से। उर्वशी,
अर्पिता को नहीं पता चला. अर्पिता क्या नहीं पता चला, जल्दी से पूछो. मैम ये 0.2 था तो हम तो उसका इसका डबल करते हैं ना. किसका डबल? डबल क्यों करेंगे? ये दो है तो ये तीन है, क्या यहाँ पे डबल हो रहा है? डेढ़ गुना हो रहा है. कितना हो रहा है इसका? डबल हो रहा है. कोई अर्पिता यहाँ डबल तब करते हैं, जैसे ये दो होते तो यहाँ पे भी चार होते तब आप डबल करते. ऊपर वालों को देखते हैं, ऊपर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बढ़ रहा है? ये दो है तो ये कितना हो रहा है? तीन. मतलब ये कितने गुना बढ़ा है इसका? मतलब कि एक पूरा वो लेना है उनका और मतलब उसका आधा और जोड़ दिया है ना. यस मैम. तो ये अगर दो मोल है तो ये तीन मोल. अगर मैंने इसका एक किया तो ये एक मोल था तो ये 1.5 थे. डेढ़ गुना कर रही हूँ मैं. बात समझ में, कितने गुना कर रही हूँ? डेढ़ गुना. जैसे 0.2 का डेढ़ गुना जो आप करोगे, 0.2 को डेढ़ गुना करोगे तो 0.3 आएगा. बात समझ में आई? Yes, या तो आप इसको ऐसे करो मैन्युअली सोच के, या तो फिर कैलकुलेशन से ही करो जो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बताती हूँ कि ये अगर तीन मोल है, ये तीन है तो ये कितना है? दो. और अगर ये वाले 0.2 यूज हो रहे हैं तो ये कितने यूज होने चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? राइट. यस मैम. ये तीन है, ये दो. और अगर ये मेरे पास 0.2 मोल पड़ा है तो मेरे पास ये जो 0.3 होना चाहिए था, पर ये मेरे पास पड़ा हुआ है 0.5 मोल. तो लिमिटिंग में कौन है? लिमिटिंग में कौन है भाई? शिखा. सोडियम फॉस्फेट. हाँ बिल्कुल ठीक. आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट जो प्रेजेंट है वो है ये सोडियम फॉस्फेट, क्योंकि 0.3 ये होना चाहिए था और ये उससे ज्यादा ही है. तो अब जब जो कोई ज्यादा मिल जाता है तो उसके साथ वाला क्या होता है? लिमिटिंग होता है. ये वाला प्रोडक्ट जो आपका लिमिटिंग में है बच्चे, तो मैं इसके इससे देखूंगी. ये दो है तो ये एक प्रोड्यूस हो रहा है. ये दो मोल है तो ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है? एक मोल. अगर ये 0.2 मोल है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा? अर्पिता बताएगी. मैम 0.2 है तो 0.3. अरे ये दो है. 0.1 होगा मैम. 0.1. अगर ये दो मोल है तो ये वन मोल प्रोड्यूस हो रहा है. ये अब मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाता है तो मैं उसका देखती हूँ कि अब मैं इन दोनों का देखूंगी. लिमिटिंग रिएजेंट ये वाला है तो मैं इसके कंपेयर में देखूंगी. ये दो है, ये एक प्रोड्यूस हो रहा है. ये 0.2 है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा? 0.1. हाँ 0.1 प्रोड्यूस होगा. अर्पिता ने नहीं बताया है क्या? 0.1 मोल प्रोड्यूस होगा. क्लियर है ये बात मैम? हाँ मैम. मेरे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. ठीक है कोई बात नहीं, जितनी आ रही होती सुन लो, रिविजन देख लेना नोट्स को. ठीक है भूमिका. हाँ पूछो कोई बात है. मनीष मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करा आप बताओ, कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? ये एक्स की वैल्यू उधर गया 2x, इसको इधर लेकर आए 3 मल्टीप्लाई 0.2, ऐसे कर दिया 0.2. अब डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.3 आ जाएगा. अब ये पूछना चाह रही हो कि क्यों करा? नो मैम, 3 मोल मतलब 3 मोल 2 मोल कैसे लाई ऊपर से? ऊपर से ऐसे लेकर आई ना बच्चे. ये जो ये होता है ना, ये वाला जो ये रिएक्शन लिखी है ना आपने, इसके आगे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना, ये 3 मोल यूज हो रहे हैं तो ये 2 मोल हो रहे हैं, ये वो वाले हैं. यस मैम. ठीक है. और 0.2 क्वेश्चन में लिखा था कि सोडियम फॉस्फेट 0.2 लिया है और बेरियम क्लोराइड 0.5 लिया है. तो मैंने पहले देख लिया कि मेरे पास अगर सोडियम फॉस्फेट 0.2 मोल है तो मेरे पास बेरियम क्लोराइड कितना होना चाहिए था. ठीक है. अब आप बोलोगे कि मैम हमने यही क्यों देखा? आप दूसरे तरीके से भी देख सकते थे कि अगर आपके पास भाई ऐसे भी कर सकते थे ना मैं, कि अगर मेरे पास 3 मोल बेरियम क्लोराइड के हैं और ये कितने होने चाहिए थे सोडियम फॉस्फेट के? सोडियम फॉस्फेट के कितने होने चाहिए थे? 2 मोल हैं. तो आपके पास उसने बोला था कि बेरियम क्लोराइड कितना प्रेजेंट है? 0.5. तो सोडियम फॉस्फेट के कितने होने चाहिए थे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितने होने चाहिए थे सोडियम फॉस्फेट के बच्चे? कितना आया आंसर? कौन बताएगा भाई? 1/3 करके कुछ आ रहा है. वन बाय थ्री की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ फटाफट से. कोई 0.33 मेरे पास, यानी कि सोडियम फॉस्फेट कितना होना चाहिए था भाई? भूमिका मेरे पास सोडियम फॉस्फेट होना चाहिए था 0.33,
पर एक्चुअल में पढ़ा कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया था कि कितना है मेरे पास, 0.2। तो दोनों तरीके से कर सकती थी, या तो मैं इसको एक्स लेके इसका देख लूं कि ये कितना चाहिए, या फिर इसको एक्स लेके इसका देख लूं। तो मुझे मेन काम है लिमिटिंग एजेंट का करना। तो फिर मुझे पता चला कि भाई ये होना तो 0.33 चाहिए था, पर मेरे पास पड़ा हुआ फुल 0.2 है, तो यानी कि लिमिटिंग एजेंट कौन है, सोडियम फॉस्फेट है। बात समझ में आई बच्चे? यस मैम। ऐसे वाले आता था, ये वाला जो आपने अभी समझाया है। हाँ, तो यही तो मैंने किया था बस। लेकिन अब उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के बाद आपको देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो क्या फॉर्म होगा, राइट? प्रोडक्ट जो है वो कितना फॉर्म होगा, क्वेश्चन में ये था। तो आंसर करेक्ट ऑप्शन आपने बताया गया 0.10, राइट? एक बार इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके खुद से देखना, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, कैल्शियम। देखो ये उसका कि कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट दोनों प्रेजेंट है। कैल्शियम एज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड क्वालिटेटिव कन्वर्टेड इनटू इतने कैल्शियम ऑक्साइड में इसमें इसको कन्वर्ट हो गया है। कैल्शियम क्लोराइड में कितनी परसेंटेज है वो बतानी है। किया था ना ये क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर? यस मैम। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अपने आप करना, ना समझ में आए तो रिकॉर्डेड में जाके देख लेना, ठीक है? यस मैम। चलो भाई अब आ जाते हैं, कोई और क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हो, ए कंपाउंड पोजेस 8% सल्फर बाय मास, द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास इज। एक कंपाउंड है उसमें 8% सल्फर है, 8% जो है वो सल्फर है उसके अंदर। तो पूछ रहा है कि द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास इज, उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा। कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? मैम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एम्पिरिकल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूले से कैसे करोगे बच्चे? एक कंपाउंड पोजेस 8% सल्फर है उसमें, यानी कि 8 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है कितने में, 100 ग्राम के कंपाउंड में। बात समझ में आई मैम? फिर सल्फर का मास लिखेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। 8 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है कितने में, कौन है ये बच्चा, ये होनहार बच्चा? मैम 100 अपॉन 8 × 32 कर देंगे फिर। दीक्षा, दीप्ति, माइक ऑफ करो बच्चे अपना। अर्पिता, दीप्ति, मोहम्मद सैफ, मुस्कान, बच्चे आपके पास है 8 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है 100 ग्राम कंपाउंड में, तो आपको सल्फर का तो मास पता है, तो 32 ग्राम सल्फर कितने ग्राम कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए था, मतलब कि कितने ग्राम कंपाउंड में होता ये, इसका मतलब मोलर मास क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर निकाल लिया। क्लियर हुई बात? यस मैम। यस मैम। 400 ग्राम आपका आ गया कि 400 ग्राम जो है होना चाहिए उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये अपने आप करना चाहिए। एक बात बताओ, फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर प्रिपेयरिंग 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स इंप्योर सैंपल में से आपने 0.1 मोलर बनाया है, परसेंटेज प्योरिटी इज नोन, द वेट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड। अगर आप किसी प्योरिटी वाला क्वेश्चन करते हो तो जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसकी क्या होना चाहिए मोलर मास, थ्योरेटिकल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ना, मोर देन थ्योरेटिकल वेट। उसका थ्योरेटिकल वेट कुछ ज्यादा होगा तभी तो उसमें से कुछ प्योर पार्ट उसका यूज होगा, है ना? बोलो भाई। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो आपने नहीं किया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अपने आप बताओ फटाफट से, कमेंट में बताना है, याद रखना कमेंट में बताना, मुझे कमेंट देखने हैं आप लोगों के कि आप में से कितने बच्चे इसका आंसर ठीक दे पा रहे हैं, कितने को समझ में आया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर, वैसे तो मुझे इसके लिए पोल करना चाहिए था, अगर तुम लोगों ने कमेंट में आंसर नहीं किया तो एक मिनट रुक जाओ, मैं पोल कर। मैम सी, मैम हाइड्रोजन। चलो भाई सबको आता है, नाजू को भी आता है, तुम तो सबको आता होगा। अर्पिता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना आप आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बच्चे कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोला है, तो यानी कि जिसकी जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इन सब में नंबर ऑफ मोल निकाल लो सबके कितने कितने आ रहे हैं, इसको 44 से डिवाइड करोगे, मोलर मास से डिवाइड करते हैं, इसको भी 48 से करोगे, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, इसमें कितने आ रहे हैं आपके पास, 2 से करो तो 4 मोल आ रहे हैं, राइट? 64 है इसका 64 ही होता है, तो उसका भी 1, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के आ रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ एटम भी क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्लियर है ये बात?
अच्छा एक बात आपको, एक क्वेश्चन मुझे जरा बताओ, अगर किसी चीज का एक ए कंपाउंड है, अगर अगर मैं बोलूं कि मेरे कार्बन का जो CO2 का मेरे पास मोलर मास जो है, मोलर मास CO2 का मोलर मास 44 ग्राम है, इसका वो बताओ मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओ, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कितना होगा तो भाई? यू 34 यू बिल्कुल, वेरी गुड नैन्सी। पीयूष, निधि, कृष्टि, ज्योति जी, ज्योति बच्चे, 44 ग्राम अगर मोलर मास है तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास मतलब 44 मॉलिक्यूलर मास मतलब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, वन मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है, तो मैंने क्या लगाना है 44 यू या फिर 44 AlU। क्लियर रही बात? यस मैम। समझ में आई? वो मुझसे मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास मतलब ये मोलर मास मतलब एक मोल का मास, मोलर मास मतलब वन मोल का मास, 44 ग्राम होता है हमने पढ़ा है, और वन मॉलिक्यूल का मास मतलब कि एक मॉलिक्यूल, ऐसी वन मॉलिक्यूल, ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं भाई वन मोल के अंदर? कितना होगा आपका 44 जो ये होता है ना ग्राम, इसके बस पीछे से क्या लगाते हैं, यू लगा देते हैं। हमने किया है ना, हमने किया है ये बात कि एक मॉलिक्यूल का मास 44 यू है, और U का मतलब क्या होता है 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 क्या 23 माइनस 24 माइनस 23 माइनस 24 ग्राम बच्चे 1.1 U का मतलब क्या होता है, अगर मैं U को हटाऊंगी तो U का मतलब है कि 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, और अगर उसने मुझसे 1 मोल का पूछ लिया तो 6.02 to 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करूंगी, इन दोनों का जो मास आता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए 1 मोलर का मास जो होता है वो क्या हो जाएगा CO2 के लिए 44 ग्राम, और यही अगर मुझसे वो ये पूछ लेता 1 मॉलिक्यूल का मास ग्राम में बताओ, 1 मॉलिक्यूल का मास किसमें बताना है मुझे, ग्राम में, ग्राम में बताना है किसका, CO2 का, तो 44 यू होता है, 44 को क्या करूंगी मल्टीप्लाई कर दूंगी भाई 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम से, तो मेरे पास क्या आ गया 1 मॉलिक्यूल का मास आ गया ग्राम के अंदर। क्लियर हो गई बात? यस मैम। ठीक है, एक मिनट मेरा, चलो अगर आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं, पता है मॉलिक्यूल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, क्लियर है ना ये सब, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत कहाँ आ रही है, जब आप स्टोइकोमेट्री वाले सवाल कर रहे हो, राइट। अब क्वेश्चन करते हैं एक अच्छा सा, अब क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, मोलैरिटी और मोलैलिटी वाले से रिलेटेड है, हम सबको ये पता चाहिए मोलैरिटी इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, दोबारा बताना है भाई? नो मैम। अगर मेरे पास बोला है कि 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या कुछ इस तरीके से लिखा है, तो आप निकाल सकते हो मोलर मतलब मोलैलिटी दी है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि उसमें वाटर कितना है, वाटर कितना है बच्चे 1000 ग्राम, अरे 1000 ग्राम परसेंटेज का, ये 0.1 मोलर लिखा है, 0.1 मोलर माने 0.1 मोलैलिटी, और 0.1 मोलैलिटी माने 0.1 मोल प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन कौन बताएगा जल्दी से बताओ, पीयूष, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जहांशु कहां रह गए थे? चलो भाई, मनीष, जहांशु लगता है सो गया था, उर्वशी, टोनी जी, 0.1 मोल प्रेजेंट इन, मनीष बताएगा 0.1 मोल प्रेजेंट इन, नहीं बताया, टोनी, 1000 ml ऑफ वाटर,
गलत. 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. वेरी गुड निखिल. 1000 ग्राम ग्राम ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट. टोनी 1000 ml नहीं बोलते, मोलालिटी में हमारा फॉर्मूला क्या होता है याद है? नंबर ऑफ मोल अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट. हाँ केजी में, तो यानी कि केजी है तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यानी कि 0.1 मोल प्रेजेंट है किसमें, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में. और मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चे, मेरे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? अगर मुझे किसके निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर मुझे निकालना है बाय चांस, तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के ऊपर अपॉन में दोनों के मोल का सम, सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हाँ टोटल नंबर ऑफ. ठीक है भाई, अब आपके पास जो है नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल कर आए भाई, सॉल्यूट के 1 मोल है, पर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पड़ा है 0.1 है ना, 0.1, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, नहीं 0.1 नहीं था, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन है ना भाई, 1 ही. हाँ या ना तो बोल दिया करो भाई, क्वेश्चन देख लिया करो आप. क्या है यहाँ पे 0.1 मोलल है, 0.1 मोलल है. ये कौन भाई, मेरी आवाज किस किस से रिपीट हो रही है, 0.1 मोलल आपके पास सॉल्यूशन था, इसको 1 मोलल कर लेता, कितना है 1 मोलल आपका सॉल्यूशन 1000 ग्राम में है. अगर बच्चे आपके पास ये 1000 ग्राम में, तो आप वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो. यस कितना आएगा जल्दी बताओ मुझे, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, फटाफट कैलकुलेट करके कमेंट में आंसर. वाटर के नंबर ऑफ मोल कितने आए भाई, निकाला किसी ने, किसी को आया वाटर के नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर. निखिल कितने आएंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, गिवन मास कितने आएंगे नंबर ऑफ मोल, इस मास के निखिल का ही है, तुम्हारे पास भी हो रही है वॉइस मेरी रिपीट. यस मैम. दो कैसे आया बच्चे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास. गिवन मास कितना है आपके पास सॉल्वेंट का, 1000 ग्राम और मोलर, और मोलर ये इसका है, किसका निखिल का है ना, ये कौन बताएगा मुझे, प्रिंट का किसने माइक ऑन किया था अभी, 55.55 मोल निखिल ने किया था, 55.55 कितना आंसर आ रहा है, कितना आया योगिता, 1 divided 56.55 से करके, 1 divided 56.55, 0.076, इतना आपका मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्यूट का. अब सेम अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा, तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, बोलो भाई हाँ या ना. अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, 0.2 मोल फ्रैक्शन है, 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी आपको फाइंड करनी है, 0.2 मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है. तो बच्चे आपको पता है कि अगर ये 0.2 मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो आपने आपको पता है कि ये मोलैलिटी है, तो यानी कि सॉल्वेंट कितना रहा होगा आपके पास, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम रहा होगा. आपने नंबर ऑफ मोल किसके निकाल लिए, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अब आपके पास है. अब आपको क्या करना है बच्चे, 0.2 आपने ये रखा, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं आपको, सॉल्यूट के निकालने हैं, है ना भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे ना सॉल्यूट के, मोलैलिटी निकालने के लिए यही तो चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट आप पहले से मान के चल रहे हो कि 1000 ग्राम, तो आपके पास 55.55 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको उधर ले जाओगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है 55.55 को. अगर मैं बाय चांस से नेगलेक्ट भी कर दूं, वैसे तो कर सॉल्व करके देखूंगी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या, 55.55 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, 50
55.55 मल्टीप्लाई बाय 1 0.2 ना आया भाई आंसर 11 यस मैम ठीक है और वैसे अगर आप इसे सॉल्व करोगे जीरो कितना आ रहा है भाई इसको पूरे इक्वेशन बना के सॉल्व कर लोगे हाँ या ना 11.11 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 0.2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा कर लोगे हाँ या ना भाई बताओ 0.8 हो जाएगा भूमिका विनायक सॉल्व करते रहो भाई योगिता बेशक से कितना भी हो आप अपने आप कैलकुलेशन करते रहो ठीक है जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करते रहोगे मल्टीप्लाई करते रहोगे सिया सोना ठीक है क्या हम सॉल्यूशन भी 1000 ग्राम होगा नहीं सॉल्यूशन 1000 सॉल्यूशन कैसे 1000 ग्राम होगा मतलब सॉल्यूशन अगर नहीं आप मोलैरिटी अगर आपको निकालना हो मोलैरिटी के लिए पूछ रहा ना निखिल यस मैम ऐसे मोलैरिटी में अगर सॉल्यूशन भी 1000 है और सॉल्वेंट भी 1000 है नहीं आपके पास अगर मोलैरिटी निकालने के लिए मोलैरिटी निकाला अभी तो मैंने बच्चे ये बात समझ में मैंने क्या निकाला ये लिटी निकाला है लेकिन अगर आपको उसने मोलैरिटी निकालने के लिए बोल दिया तो दो बातें हो सकती हैं क्या एक तो वो क्या देगा आपको डेंसिटी देगा बात समझ में क्या देगा वो आपको डेंसिटी देगा जिसकी वजह से आप वॉल्यूम निकाल सको आप क्या करोगे डेंसिटी अगर कोई नहीं मतलब डेंसिटी अगर नहीं दी अगर ये एक्वस सॉल्यूशन दिया वाटर की तो डेंसिटी कितनी मान लोगे आप 1 मान लोगे क्लियर है मैम ये 1000 ग्राम सॉल्वेंट है ना हाँ ये सॉल्वेंट है सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे तो सॉल्यूट बचेगा ना बच्चे ये आपको 0.2 मोल फ्रैक्शन गिवन था सॉल्यूट का आपको मोलैलिटी निकालनी थी मोलैलिटी में आप वाटर को पहले से ही 1000 ग्राम ही मान रहे हो नहीं समझे ये टीम कराया मैंने मोलैलिटी में आपके पास नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन गिवन था मोल फ्रैक्शन गिवन का मतलब क्या हुआ सॉल्यूशन की तो कहीं बात ही नहीं हुई आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या चाहिए सॉल्वेंट चाहिए सॉल्यूशन का यहाँ कोई रोल नहीं है बात समझ में आई ठीक है नहीं नहीं समझ में आया हम आ गया आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन अभी चाहिए ही नहीं वो शीट कहाँ चली गई मेरी शीट मैम ठीक है आ गया ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन देख रही हूँ वही कौन सा क्वेश्चन करें आप क्वेश्चन नंबर 20 ये क्वेश्चन कर सकते हो भाई इजीली क्वेश्चन नंबर 17 हो सकता है अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एग्जाम में भी आया था ये हाइड्रोजन और आपकी मेरे ख्याल से उसमें था रिवीजन वाली जो शीट भेजी थी उसके अंदर था ये क्वेश्चन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर रेशियो इन द 1:4 व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ टू गैसेस इन मिक्सचर 4:1 ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन हाइड्रोजन एंड O2 गैसेस इन द रेशियो 1:4 उसने इनका किसका रेशियो दिया है गैसेस इन रेशियो वेट वेट का रेशियो दिया है यानी कि आपके पास हाइड्रोजन अगर कितनी है बच्चे हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है हाइड्रोजन कितनी है 1 ग्राम है और ऑक्सीजन कितने ग्राम होगा 4 ग्राम ठीक है उसने वेट बाय वेट का रेशियो दिया है मोलर रेशियो पूछा तो पहले मोल निकालेंगे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/2 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4 ग्राम अपॉन में 32 ठीक है भाई उर्वशी समझ में आई बात किसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया हैंड रेज प्रियंका हाँ और शिखा क्लियर है योगिता को समझ नहीं आया सीएम बच्चे वो मुझसे मोल इसका मोलर रेशियो पूछ रहा है और मुझे ये वेट बाय वेट का रेशियो गिवन है तो वेट बाय वेट का गिवन है यानी कि 1 ग्राम और 4 ग्राम ये मास मान लेते हैं दोनों का है
अब मुझसे पूछ रहा वो किसका रेशियो है मोल का, तो पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो. 1 डिवाइडेड 2 क्यों किया, क्योंकि मोलर मास 2 होता है हाइड्रोजन का, रेशियो का निशान लगाया. इसको अगर काटोगे अब आप क्या आएगा, 4 8 2 1 2 4, तो 4:1 का रेशियो आ गया. क्लियर हुई बात प्रियंका, मोल का रेशियो पूछ रहा. वंदना आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Question number 20. In which case the number of molecule water is maximum? 18 ml water में कितने number of moles होंगे? 18 divided 22.4. बोलो कहीं हाँ या ना? ml में इसको जरा उसमें convert कर लो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना सोचे बोल लो ये. 18 ml water में आपके number of molecule निकालने हैं. पहले number of moles जिसके ज़्यादा होंगे इन सब में उसके ही क्या होंगे? ज़्यादा होंगे. उसके ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे. आया ना? यस मैम. चलो फटाफट से आंसर बताओ क्या आएगा. 0.01 क्या आंसर आ रहा है भी इसका? ठीक, इसका आपका कुछ आएगा 0.0. इससे करोगे डिवाइड, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना आता है जब वॉल्यूम दिया होता है. तो बोलो भाई, जब वॉल्यूम गिवन होता है, ये तो ऑलरेडी 10^-3 मोल गिवन है, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आ रहा है? 0.0024 liter 22. कोई है जिसे अगर वॉल्यूम गिवन हो और वो ना आता हो? हैंड रेज करो फटाफट से. ऐसा कौन बच्चा है जो अगर वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना नहीं आता? वंशिका आता है? वर्षा, विनय, वर्षा, मैम ऑप्शन ये होगा. क्या पीयूष, कौन सा होगा? पीयूष का माइक खराब है भाई. पीयूष बताना जरा कौन सा होगा इसका आंसर. पीयूष वन कह, प्रियांशु कह रहा है वन आंसर होगा. प्रियांशु कह रहा है वन आंसर होगा. कैसे भाई, ए कैसे आ रहा है? अर्पिता नहीं समझ में आया? बच्चे नंबर ऑफ मोल, अगर आपको कोई भी वॉल्यूम गिवन है ना, नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? इधर देखो, आपके पास 22.4 लीटर होता है कितने में? 1 मोल में. अब अगर उसने मुझसे पूछा है 18 ml, पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ किसमें, लीटर में, तो 0.018 लीटर में कितने मोल होंगे मुझे निकालना है. आप कर लोगे भाई, वॉल्यूम गिवन है तो मोल निकल जाएंगे. 22.4 में 1 मोल होते हैं, 0.18 ml बोला था, तो 18 ml को भी लीटर, ये लीटर है तो इसको भी लीटर में कन्वर्ट किया. 0.018 में कितने होंगे मैम? 22.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से. आप मुझे बताओ, डिवाइड कर रहे हैं, x निकाल रहे हो भाई, नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हो बच्चे. 22. मैंने फर्स्ट क्लास में आपको नंबर ऑफ मोल निकालना सिखाया था कि आपके पास 22.4 लीटर जो होता है उसमें कितने मोल होते हैं. जब आपके पास इतना वॉल्यूम हो जाता है तो हम कहते हैं 1 मोल हो गया. अब वो मुझे बोल रहा है कि 18 ml उसने अगर H2O लिया है तो कितने मोल होंगे, कैलकुलेट करो. अपने आप सबके मोल कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताओ सबका कितने कितने मोल आ रहे हैं, अगर तुम लोगों को ये दिख रहा होगा तो. दिख रहा है ना क्वेश्चन? जूम करना है क्वेश्चन नंबर 20. नो क्या? नो मैम, मैम जूम नहीं करना. ठीक है, मुझे ना सबका कैलकुलेट करना है. क्या? हाँ, सबका कैलकुलेट करके कमेंट में बताओ मुझे कि सबके नंबर ऑफ मोल जो है वो कितने आ रहे हैं. तुम्हें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना आता भी है या फिर नहीं, वॉल्यूम अगर आपको गिवन है तो. क्वेश्चन इज, इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर मैक्सिमम? पहले वाले का आएगा 6.022×10^23 मॉलिक्यूल्स. अरे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, एनए से तो सबको ही मल्टीप्लाई करना होगा फिर आपको, है ना? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बस. 18 ml में कितने होते हैं मैम? 1. 1 कैसे हो गया भाई 18 ml का? ml है वो, ग्राम नहीं है मैम. 8.03×10^-4 कितना है? हाँ बिल्कुल ठीक, इतना ही आ रहा है. वैसे आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका ठीक है, 18 ml में ही होगा.
इसका इसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे तो 18 ml का सबसे ज्यादा आएगा इन सब में. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी. द नंबर बोलो भाई, ये क्लियर है सबके? पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे जैसे कि हम उसमें कर रहे थे, हमने H2 वाला जो भी ऊपर किया था क्वेश्चन, सेम वैसे ही है इसमें. मैम 18 ml. हां बोलो बच्चे. मैम 1 ml इक्वल्स टू वो 1 ग्राम होता है मैम वाटर के लिए. हां अगर आपके पास दूसरा लीटर में है. इसके नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? डिवाइडेड बाय 22.4 करोगे. यस मैम, 18 डिवाइडेड बाय 2.24 कर दे. हां ये डिवाइडेड बाय इसका ये वाला जो है इसका निकालोगे तो कुछ आएगा. और 0.18 ग्राम करोगे तो 0.1 ग्राम हो जाएगा लास्ट में. 0.1 मोल हो जाएगा. 0.01 मोल. यस 0.01 मोल इसका आ जाएगा. तो जो आपका सबसे ज्यादा मोल है वो इसके आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलो, the number of mole of hydrogen molecule required to produce 20 mole of ammonia through Haber process. Haber process, मैंने बार-बार बोला है, इसको equation को याद ही रख लो. अब मुझे यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा question. Haber process means क्या बच्चे? जो आपका अमोनिया की प्रोसेस होती है, इस रिएक्शन को याद रख लो, ये हर जगह काम आएगी आपकी. तो आपके जब वन उसने क्या बोला है कि 20 मोल अगर अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, ये लिखा है ना 20 मोल लिखा है, 20 लीटर लिखा है. 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर. अगर 2 मोल के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए तो 20 मोल के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए होंगे अर्पिता? 2 मोल के लिए अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए. तो 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना चाहिए होगा? यहाँ एक्स लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 30 आ जाएगा. अर्पिता को समझ में आया है नहीं आया बताओ. यस मैम. ठीक है, अब आ जाओ जरा. ये तो थे आपके बच्चों वाले इजी से क्वेश्चन जो कि हम केस में कर रहे थे. मेरे ख्याल से इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे. एक क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है, थोड़ा सा टफ है, करने की कोशिश करते हैं. इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीथेन हैव बीन टेकन इन कंटेनर. इक्वल मास लिया है मतलब कि 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया है, 1 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, 1 ग्राम मीथेन लिया है. मुझे उसका रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस पूछ रहे हैं. वॉल्यूम का रेशियो वही होता है जो उनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा. क्लियर हुई बात? वॉल्यूम का रेशियो सेम वही है जो उनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा. ठीक है, तो यानी कि मुझे निकालना क्या है इन फाइनल नंबर ऑफ मोल का. अगर मैं रेशियो निकाल लूं तो मैं वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकती हूँ इजिली. बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आई बात? जरा मुझे बताओ अगर आपके पास क्या रेशो होगा. पहले तो खुद निकाल के जरा देखो. क्वेश्चन नंबर 14 कितना है भाई? H2 है, O2 है और मीथेन है. इन दोनों का जो मोलर मास का 22 ग्राम होता है, इसका कितना होता है? 32 ग्राम होता है. और इसका कितना होता है? 16. अब उसने क्वेश्चन में पूछा, बोला क्या है कि ये तीनों इक्वल ही है. अब इक्वल ही है तो नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? 1/2, 1/32 ग्राम, 1/16 ग्राम. कार्ड तो कितना कट रहा है आपसे? ठीक है ना, 16 कर दिया, इसको मैंने 8 कर दिया. और अब मैं इसके रेशियो अगर निकालूंगी, रेशियो निकालना आता है 1/1, जो फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं उनका रेशियो कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके 16:1:2, ये इसका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल का रेशियो. और भाई उसने मुझसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो भाई वॉल्यूम अगर मेरे पास 16 मोल है तो कितना वॉल्यूम यूज हुआ होगा? 16 × 22.4. 1 मोल है तो कितना रेशियो? 22.4. और 2 × 22.4, तो आप देख रहे हो सब में ये कट जाएगा. तो जो रेशियो है वो तब भी कितना आएगा? 16:1:2. नंबर ऑफ मोल का रेशियो होता है वही आपका किसका रेशियो हो जाता है? वॉल्यूम का भी रेशियो. ठीक है भाई, क्लियर है? इजी था क्वेश्चन, हो गया. क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा है, क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर भी है भाई.
और ये इम्पोर्टेंट है इस टाइप की क्वेश्चन. द डेंसिटी ऑफ टू मोलर एक्वस सॉल्यूशन NaOH इज गिवन. द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है आपको और मोलैरिटी गिवन है, मोलैलिटी पूछा है. क्वेश्चन कोई स्क्रीनशॉट ले लो भी, मैं पूछूंगी भी मतलब मुझे, या फिर कॉपी में लिख लो स्क्रीनशॉट मतलब कि डेंसिटी कितना दिया था, मोलैरिटी कितनी दी थी. ठीक है भाई. अर्पिता जी, नैंसी कहाँ सोई हो? यस मैम. वर्षा, उर्वशी जी, तनीषा पढ़ रही हो? सोना सो तो नहीं गए? विनायक क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं. पढ़ रहे हो? यस मैम. ठीक है. रौनक, मुस्कान और ऋषिकृत, तुम बच्चे जरा ध्यान देना ठीक है इस क्वेश्चन के ऊपर, जिन जिनके नाम लिए हर क्वेश्चन के ऊपर सबको ध्यान दिलवाते हैं. क्वेश्चन क्या था भाई? टू मोलरिटी, एम लिखा है मतलब कि मोलरिटी गिवन है, NaOH आपका एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है भाई. क्रिस्टी और क्रिश दोनों सुनो ध्यान से. टू मोलरिटी NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ है और डेंसिटी कितनी गिवन थी भाई? 1.28 गिवन है और क्या निकालना क्या था? मोलरिटी. और भी कुछ गिवन है? आईना यही गिवन था. टू मोलर, ये एम का मतलब क्या है बच्चे? इस एम, इस बड़े कैपिटल एम का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? जिससे पूछूंगा कौन बताएगा? नंबर ऑफ मोल टू है. ठीक है. कितने में? प्रियांशु, प्रियंका, 1000 ml सॉल्यूशन, 1 लीटर मैम, 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन. हाँ, इसका मतलब है कि टू मोल आपके पास NaOH पड़े हैं 1000 ml सॉल्यूशन में. लेकिन अब मुझे निकालना क्या है बच्चे? मोलैलिटी निकालना है. अगर किसी को याद हो मोलैलिटी का फॉर्मूला, अभी करवाया मैं, जिससे पूछूंगी वो बताएगा. पूछ लूं किसी से? तरुण, भूमिका, नंबर ऑफ मोलैलिटी मींस क्या? नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन क्या होता है फॉर्मूले में नीचे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. नहीं पता था भाई तुम लोगों को. मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, यही होता है मेरे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला. शिखा? यस मैम. निधि और नैंसी जरा ध्यान से इधर देखो, आपके पास मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, याद रखना. और मोलैलिटी का होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो मुझे मोलैलिटी निकालना है, मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए. ठीक है, मेरे पास पड़े हैं भाई 2 मोल है, मुझे पता चल गया 2 मोल है, पर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. लेकिन मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट तो है ही नहीं, तो मैं मोलैलिटी कैसे निकालूंगी? पहले तो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपने क्वेश्चन के थ्रू कि मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है. मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू में मास अपॉन में वॉल्यूम. मुझे मास कितना है निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा क्योंकि मेरे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1000 और क्या गिवन है बच्चे मेरे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ मेरे पास क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है 1.2. तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन तो मेरे पास निकल कर आ गया. अच्छा बच्चे ये ध्यान रखना, ये 1.2 मुझे मास डेंसिटी दी थी सॉल्यूशन की. इसी क्या 1.280 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. ठीक है, 1000 को 1.28 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये याद रखना, मुझे कैसे पता चला कि भाई ये डेंसिटी किसकी है? उसमें लिखा था कि मास ऑफ, ये डेंसिटी है सॉल्यूशन की, तो मेरे पास मास भी किसका निकल कर आया? सॉल्यूशन का मास निकल कर आ गया. लेकिन अगेन मुझे क्वेश्चन में किसका मास चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए जो मेरा मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट माइनस मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1280. मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई? 80. अब जरा हैंड रेस करो वो बच्चा जिसको नहीं पता कि मास ऑफ सॉल्यूट 80 है. मनीष, मोहम्मद सैफ, मुस्कान, रौनक, मास ऑफ सॉल्यूट 80 है, नाजो को नहीं पता. लक्षिता, लक्षिता तुम्हें पता है मास ऑफ सॉल्यूट 80 है कैसे आया? अर्पिता को भी नहीं पता. आदेब आपको पता है?
मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या है? वर्षा, वर्षा पता है भाई? आ जाओ फिर से यहाँ पर, ये लिखा है टू मोलर NaOH, तो मुझे पता है NaOH एक सॉल्यूट है, तो मेरे पास सॉल्यूट का जो मास है बच्चे वो कितना है? सॉल्यूट का मास मैं निकालने के लिए क्या करूंगी, जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल है टू मल्टीप्लाई बाय मोलर मास NaOH का कितना होता है 40, तो मेरे पास सॉल्यूट का मास आ गया 80 ग्राम। क्लियर हो गई बात? सॉल्यूट कैसे निकाला, क्योंकि मेरे पास NaOH के नंबर ऑफ मोल्स थे, NaOH का मेरे पास मोलर मास है, तो मेरे पास उसका नंबर वो क्या आ गया बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। क्लियर हुई वर्षा ये बात? नहीं आया वर्षा समझ में? मैम आ गया। ठीक है अंजलि आपको आ गया, अंजलि को तो आ गया भाई। तनिषा आपको आया? सोना सिंह, सोना सिंह अब आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी है, नंबर ऑफ मोल 2 है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1200 है, मल्टीप्लाई बाय 1000 यही होता है फॉर्मूला, 0 से 0 कैंसिल, 1.66 आया, 10/6 आया। अरे भाई बोलो मैंने गड़बड़ कर दी क्या इसको, उसमें मल्टीप्लाई में 10/ कितना आया आंसर अभी मेरा 10/6 कौन सा आंसर होगा भाई इसमें? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 1.67 मोलैरिटी। यस मैम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, बोलो भाई कर सकते हैं ना हम सॉल्व अपने आप? यस मैम। ये तो हो गई मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात है, अगर डेंसिटी गिवन है मोलैरिटी पूछ ली, मोलैरिटी गिवन है मोलैरिटी पूछ ली, तो क्या करना है करके, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बातें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 750 ml 0.5 HCl, ये मिक्स किया कितने में, 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl में ये मिक्स किया। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा है मोलैरिटी बताओ, एक सॉल्यूशन आपने 0.5 मोलर का ले लिया 750 और एक ले लिया 2 इसका मोलर का 250 ml ले लिया, उसने मुझसे मोलैरिटी पूछा है। अगेन फिर से एक बात ध्यान रखना, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है मुझे उसमें क्या चाहिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर क्या था 15, मुझे चाहिए क्या उसमें, नंबर ऑफ मोल चाहिए मोलैरिटी के फॉर्मूले में, क्या चाहिए होता है नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले मैं नंबर ऑफ मोल ही पता कर लेती हूँ कितने हैं, जरा मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 750 ml तो है 0.5 मोलर ये वाला सॉल्यूशन और 250 ml है 2 मोलर सॉल्यूशन, ये नंबर ऑफ मोल कितने आ रहे हैं कैसे निकलेगा? अरे क्या सुनो भूमिका कहाँ खोई हो तनिषा जी, नंबर ऑफ मोल कितने कितने आएंगे ये कैसे पता चलेगा इस तरीके के क्वेश्चन में, जहाँ 0.5 होगा पहले का HCl का कितना 0.375 प्रियांशु ने कैसे निकाला, प्रियांशु जरा इसको बताओ। मैम जैसे इसमें हमें दे रखा है 0.5 मोलैरिटी दे रखी है, 0.5 दी है। यस मैम, तो हमारा इसका मतलब है कि 0.5 मोल्स 1 लीटर वॉल्यूम में है। मैम 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में है, तो मैम 750 जो है 1 लीटर का 3/4 होता है, तो हम 0.5 को 3/4 से मल्टीप्लाई 3/4 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल। किसी को जहांशु है यहां पे? जहांशु कहां गया आज? अच्छा चला गया है। हूं लेकिन ताकत नहीं है। ओहो तुम यहां पर हो, मेरे को दिख ही नहीं, वैसे तुम चले गए। यस मैम मैं हूं। अरे स्कूल से आया ये बच्चा? यस मैम। कौन से स्कूल खुल गए भाई तुम्हारे? मैम स्कूल खुला नहीं था, स्कूल में बुलाया था किसी वजह से। चलो अब बच्चे आप इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करोगे, अगर आपको किसी चीज की मोलैरिटी गिवन है कितनी है 0.5 थी HCl सॉल्यूशन की और वॉल्यूम कितना लिया था उसने HCl का, वॉल्यूम कितना बोला था 750 ml। पिता मैंने इस वाले के नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट किया आप ऊपर देख लो, मेरे पास फॉर्मूला है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस मैम, आपके पास मोलैरिटी है वॉल्यूम है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हो ना, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1000 भी लिख लो। अब बताओ कितना आया नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपने फॉर्मूले में पुट किया इस तरीके से इसको, तो आपके पास फॉर्मूले में 0.5 यहाँ पुट किया,
नंबर ऑफ मोल आपको निकालने थे, नंबर ऑफ मोल। प्रियांशु? यस मैम। नहीं प्रियांशु, अंजलि तुम्हें समझ में आया बच्चे? अंजलि, ईशा और ज्योति, तीनों बच्चे जवाब दो भाई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 750, यहाँ पर 1000, जीरो से जीरो कैंसिल, 57 मतलब इसको सॉल्व किया 4 और 3, इस 0.5 का 3/4 कर दिया मैंने, मेरे पास नंबर ऑफ मोल निकल कर आ गए। कितने आए भाई आंसर प्रियांशु? अंजलि मैम 0.375। यस मैम 0.375 आपके पास नंबर ऑफ मोल निकल कर आ गए। अंजलि समझ में आया? अंजलि, ईशा, दीप्ति क्लियर हुआ भाई? दीप्ति, ज्योति? यस मैम। ज्योति क्लियर है? अब जरा मुझे बताओ आपके पास इसके 0.375 आ गए, ऐसे ही आप नंबर ऑफ मोल दूसरे वाले का भी सॉल्यूशन के निकाल सकते हो। एक और सॉल्यूशन उसमें गिवन था भाई, ये वाला कहां गया? ये 255। कितना आया भाई इसका, जल्दी से बताओ कितना आंसर आया इस वाले का? मैम 0.5 मोल आया आपके इसका आंसर, ठीक है 0.5 मोल, यानी कि 0.5 मोल ये वाले HCl के प्रेजेंट है और इस वाले का कितना आया था 0.375, राइट? दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 0.875। यस मैम। यस मैम। टोटल नंबर ऑफ मोल मेरे पास कितने प्रेजेंट हो गए दोनों सॉल्यूशन के मिक्स करें तो? एक बार इस वाले का निकाल के दिखा देते हैं, यहाँ पे कितना था? 0.2 मोलर था, कितने में? 250 ml में, यही था ना भाई नंबर ऑफ मोल? ये बच्चों के लिए रख लेते हैं एक बार को, जिन नहीं आए हैं भाई। जीरो नंबर ऑफ मोल कितने निकल कर आए मेरे पास इसके, एक बार बताओ मुझे। जब आप यहाँ लेते हो क्लास तो ज्यादा फायदा होता है या रिकॉर्डिंग में? मैम लाइव क्लास में, लाइव क्लास में फायदा होता है ना रिकॉर्डिंग। यही आया 0.5 आ रहा है या 0.0? मैम 0.2 नहीं है मैम, वो 2 मोल है मैम, ओनली 2 है। ठीक है मोल, ठीक है ऐसे बता दिया करो। यहाँ पर आपकी पढ़ाई साथ के साथ हो जाती है ना, हो जाता है ना साथ के साथ। रिकॉर्डिंग में आप बोर हो जाते होंगे है ना, रिकॉर्डिंग में क्या पता जो भी चीजें जहाँ डाउट आ रहा है वो एकदम पूछ भी नहीं सकते हैं, और रिकॉर्डिंग का क्या है हम आलस कर जाते हैं कि कभी देखें या ना देखें। हाँ एक घंटे में पढ़ाई हो गई जो हो गई। नंबर ऑफ मोल आपके पास 0.5 आ गए हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हुए हैं आपके पास? टोटल नंबर ऑफ मोल क्लियर हुआ भाई? अर्पिता समझ में आ रहा है? 0.5 आपके पास ये वाले मोल, 0.375 ऊपर वाले से आए थे, टोटल मिला के 0.875 मोल हो गए। और आपके पास वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? ऊपर एक था 750 और दूसरा था, टोटल वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर, एक 750 एक था और दूसरा वाला 250 था, तो आपके पास 1 लीटर। तो भाई मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता है दोनों सॉल्यूशन, मोलैरिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, नंबर ऑफ मोल 0.875 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000, आपका ये कट गया, आपका आ गया 0। अच्छा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अगर मुझे फटाफट एग्जाम के अंदर करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है भाई कि आपने एक जो पहले वाले के नंबर ऑफ मोल निकाले थे उसमें यही किया था ना, मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, अर्पिता यही किया था ना हमने उस वाले क्वेश्चन में, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम प्लस ऐसे दूसरे वाले की मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल टू में मोलैरिटी आपकी निकल जाती है V1 प्लस V2, जो आपका दोनों को ऐड करके आया ये मोलैरिटी। आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को याद रख लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि यही बता रहा है नंबर ऑफ मोल एक के, नंबर ऑफ मोल दूसरे के अपॉन में टोटल वॉल्यूम, यही करते थे ना भाई हम, कैसे निकाला हमने मोलैरिटी V1 प्लस V2 करा बाद में, एक के नंबर ऑफ मोल कैसे आए थे M1 V1 मल्टीप्लाई किया था प्लस M2 V2 मल्टीप्लाई किया था, उससे मेरे दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अगर जल्दी करना चाहते हो भाई, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, आप सिंपल एक का नंबर ऑफ मोल दूसरे का नंबर ऑफ मोल निकाला प्लस करा दोनों को, M1 V1 मल्टीप्लाई M2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2 करा, आपके पास मोलैरिटी निकल कर आ जाती है। क्लियर है ये बात? यस मैम। लास्ट में हो गई एक शॉर्ट ट्रिक, जो कि मतलब शॉर्ट ट्रिक के फॉर्मूला है इसके लिए। ठीक है, इतना लंबा थोड़ा हमारा एक ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है शायद, ये उसमें भी है। अ सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na+ आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर, द मोलैलिटी ऑफ Na+ आयन, मोलैलिटी बतानी है आपको सोडियम प्लस आयन की कितनी होगी।
मोलैलिटी. कितना आ रहा है भी आंसर, कौन बताएगा? थर्ड है या फोर्थ आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बताओ. आपके पास ग्राम है, आप सोडियम सल्फेट सोडियम एनेट सोडियम आयन के ग्राम प्रेजेंट है आपके पास, 92 ग्राम आपके पास है. वो मोलैलिटी मुझसे सोडियम आयन की पूछ रहा है. नंबर ऑफ ग्राम गिवन मास अपॉन में मोलर मास और 1 किलोग्राम. फोर आ रहा है मैम. फोर मैम, आंसर फोर है. फोर आ गया आंसर. यस इजी था क्वेश्चन. गिवन मास सोडियम का ही पूछा है उसने, 92 ग्राम और सोडियम का ही आपने मोलर मास नीचे लिखा. और वन उसने कितने सॉल्यूशन में लिया था? पर किलोग्राम. तो हम 1 किलोग्राम ही लेते हैं यहाँ पे मोलैलिटी के लिए, है ना भाई? 23 आपने डिवाइड किया तो आपका 4 मोल आ गया. अच्छा सेम क्वेश्चन में अगर वो बोलता कि सोडियम सल्फेट का वेट गिवन होता है, Na प्लस की पूछता, आएगा इस क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन, तो उसको ध्यान देना. एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 15, द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन. शुगर का मोलर मास 342 होता है, याद रख लो. क्वेश्चन नंबर क्या था भाई ये? भाई क्वेश्चन नंबर 15 तो ये था. दूसरा मैं बताओ इसका आंसर. बिल्कुल बताओ भाई. मैम 68.4 ग्राम. चलो हम पहले निकाल के देखते हैं, मुझे नहीं पता उसका आंसर क्या था. कितना भाई वो क्या क्या था उसमें? 2 लीटर का बनाना था, कितने मोलैरिटी का? कितने मोलैरिटी का था? 100 रखे थे सारे बच्चे. 0.1. नो मैम, 0.1 मोलैरिटी का आपको सॉल्यूशन बनाना है, 2 लीटर बनाना है और 0.1 मोलैरिटी का बनाना है. सॉल्यूशन कितना होना चाहिए वॉल्यूम उसका? 2 लीटर का. तो आपके पास मोलैरिटी पता है, आपको वॉल्यूम पता है, क्या निकालना है आपको? गिवन मास नंबर ऑफ मोल ऐसे निकालते ना, गिवन मास अपॉन में मोलर मास. इसको यहाँ पे मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास 342 है. सारी चीजें आपके पास गिवन है, 342 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करो, गिवन मास निकल कर आ जाएगा. किसने बताया था भैया भी आंसर? जहां जो 68.4 कितना आया भाई? 342 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आंसर. अर्पिता समझ में आया? 68.4 मैम. हाँ आपने 0.1 इक्वल्स टू में 1/2 लीटर लिया था. हाँ और फिर उसके बाद आपने वहाँ पे गिवन मास अपॉन में मोलर मास किया था. आप इसको कैसे ऐसे इधर उधर मत करके वो करो, ऐसे रट्टा मत मारना, इसको सिंपल याद रखो. आपका फॉर्मूला होता है ना मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है. नंबर ऑफ मोल को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? गिवन मास अपॉन में मोलर मास. सारी चीजें आपके पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, जैसे जैसे जो चीजें गिवन थी मैं वो लिखती जा रही थी, जो मेरे पास गिवन नहीं था मैं उनको वो करती जा रही थी. क्या गिवन है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब मैंने इसे यहाँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया 1000 से, क्योंकि ऑलरेडी वो लीटर में गिवन था. ठीक है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मोलैरिटी कितना बनाना है? 0.1 की. गिवन मास क्या है आपको निकालना है? आपने एक्स ले लिया. मोलर मास 342 है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर लेना है. निकाल लोगे भाई गिवन मास कितना चाहिए करके? 0.1 × 0.4. चलो बताओ मुझे किस क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन. ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन इजी है और लेकिन स्टोइकोमेट्री वगैरह इसमें यूज हो रहा है तो ध्यान से एक बार देख लो. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 1 ग्राम ये मेटल कार्बोनेट है, इसको आपने ट्रीटमेंट किया HCl से, इतने मोल आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकले, रिएक्शन भी आपको साथ में गिवन है. यहीं पे करती हूँ साइन मास क्वेश्चन को ऐसे रखते. क्वेश्चन नंबर दिव्या भी क्वेश्चन, ये वाला कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन नंबर 8. तुम लोगों को पता चल जाएगा ना कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या था, कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या था. अगर ये शीट आपके पास आई कोई देखना चाहे तो तुम में से. यस मैम देखिए. और वरना तो 12 का जो आंसर है वो मेरा
फर्स्ट है 84.3। ठीक है पर मैंने अभी सॉल्व नहीं किया और किसी ने करके देखा सॉल्व। देखो भाई ऐसे होते हैं बातें नहीं करनी होती फटाफट से अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। है ना भाई कृष मैम ये वाला मैंने किया था पहले भी एक बार। अच्छा किरण आपने भी किया था? यस मैम ये पहले वाले में था। पहले वाले के ये वही वाली शीट है बच्चे इसमें मेरे को था कि तुम लोगों ने किए नहीं होंगे इसे। आदर्श किरण वेरी गुड बच्चे अगर आपने किया तो। अंजलि आपने किया? मुस्कान मुस्कान नहीं। मनीष लक्षिता श्रेया सिया तुम कर रहे हो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व। मेहनत कर लो भाई एक दो साल की मेहनत है बस। 1 gram of carbonate on treatment with excess HCl produce this gram of ये आपके पास यानी कि कार्बोनेट अगर 1 mole है बच्चे ध्यान से देखना अर्पिता और निधि दोनों के दोनों। मैं पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ। कार्बोनेट प्लस 2 HCl क्या दे रहा है आपको MCl2 और वाटर मिल रहा है आपको यहाँ पे H2O मिला और CO2 भी मिल रहा है। कितना क्या मिल रहा है CO2 मिल रहा है। सोडियम कार्बोनेट है आपके पास कितना बोल रहा है कि वो कितना एक्सेस HCl मतलब आपके पास भरपूर है तो HCl तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कि क्या डिसाइड करेगा आपका ये कार्बोनेट ही डिसाइड करेगा है ना कार्बोनेट वाला पार्ट। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था आपको एक चीज ध्यान से देखो। कृष कृष्टि है यहाँ पे चली गई। शिखा संतोष पियूष सुन रहे हो ना नाजो? यस मैम प्रेजेंट है। यस मैम ठीक है सोए नहीं हो ना मतलब ये पूछना चाहते हैं यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ था MCl2 के साथ H2O था। यस मैम हाँ H2O ठीक है। अब आपके पास ओ ये कितने ग्राम यूज करेंगे x ग्राम यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ये मुझे पता नहीं भाई कितना ग्राम है इसका मोलर मास मुझे नहीं पता। मुझे पता है 1 mole ये यूज किया तो 1 mole कार्बन डाइऑक्साइड निकला। 1 mole में इसका कुछ मोलर मास होगा वही वो पूछ रहा है। x ग्राम मोलर मास हुआ होगा इसका तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ होगा 44 ग्राम। तो पहले तो मैं इसका मास निकाल लेती हूँ कितना ग्राम आपका प्रोड्यूस हुआ होगा। कितने ग्राम प्रोड्यूस हुआ होगा मल्टीप्लाई कर दूंगी 44 से निकल जाएगा। मोल है मेरे पास मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया कितने ग्राम प्रोड्यूस हुआ होगा ये मुझे पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इतने ग्राम जो है प्रोड्यूस हुआ होगा। तो यहाँ पे मेरा ये मास कितना रहा होगा ये कितना रहा है 1 gram कितना बोला है उसने यही है ना कि 1 gram में उसने जब ये मेटल कार्बन ये जो कार्बोनेट का जो भी था इसको जब उसने 1 gram लिया तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड 0.01186 mole प्रोड्यूस हुआ। अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 44 से तो मतलब कि इतने ग्राम मेरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ कब जब मैंने क्या लिया था मेटल कार्बोनेट 1 gram लिया था। तो वो पूछ रहा है कि इसका मोलर मास कितना होगा। कर लोगे भाई अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे इधर का मास होता था इधर का मास होता था इधर का पूछ लेता था या इधर का पूछ लेता था। अब की बार उसने ऊपर वाले का ही मोलर मास ही पूछ लिया। हो जाएगा भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर। यस मैम कितना बड़ा है खत्म ही नहीं हो रहा है 0. इसको ऊपर ले गए 44 अपॉन 44 मल्टीप्लाई में कितना आया आंसर जोहांशु कितना आया था किसने किया था सॉल्व एक्स ग्राम आपको निकालना है 44 डिवाइडेड में एक्स की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर ही है ना x is equal to में क्या हो जाएगा 84.3 आंसर है। ये ऐसे होगा ये है ना जोहांशु बात समझ में क्या किया x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ऊपर गया और ये इसके नीचे आ जाएगा डिवाइडेड में 44 से 44 कैंसिल हो गया। आपको डिवाइड करना है 1 डिवाइडेड 0.01186 आया ना यही करना है ना भाई। यस मैम। चलो भाई फटाफट से आंसर बताओ मुझे क्या है कमेंट में लिख के बताओ 84.3 आंसर ऑप्शन में देखिए क्या है क्या गिवन थे 84.3 दे रखा है मैम।
ठीक है भाई, सबके लिए आ गया, आप जरा हैंड रेज करो जिससे समझ में ना आया हो। क्लियर है जहांशु को तो क्लियर है, मुस्कान आपको क्लियर है, नाचो समझ में आया बच्चे, नयन सी ना समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से करके देखना, इसमें वही यूनिटरी मेथड यूज हुआ, आपकी बार उसने मोलर मास पूछ लिया और गिवन मास ऑलरेडी दे दिया, क्लियर हुई बात। अब अगर तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई हो तो एक नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना आ गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप अपने आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 8 ग्राम ऑफ एनीवेज पता है, 18 ग्राम H2 मिली है, मोल फ्रैक्शन निकालना है और मोलैलिटी निकालनी है। मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल लोगे भाई, नंबर ऑफ मोल निकालोगे पहले एनीवेज के, वाटर के नंबर ऑफ मोल निकालोगे, दोनों को मतलब नंबर ऑफ मोल ऊपर और अपन में टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे रखे, मोल फ्रैक्शन निकालोगे, मोलैलिटी भी निकालोगे, नंबर ऑफ मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी गिवन है, 18 ग्राम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल आपके पास आ जाएंगे तो आप मोलैलिटी भी निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्वेश्चन नंबर में वो डाल्टन लॉ के बारे में पूछ रहा है कि डाल्टन लॉ की स्टेटमेंट इनमें से कौन सी नहीं है, विच इज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन। तो आपको पता है व्हेन गैसेस कंबाइन रिप्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ये किसने दिया था वो ये वाला लॉ कि सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में आपका जो गैसेस कंबाइन करती है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में, गे-लुसैक डाल्टन ने क्या कहा था कि मैटर एक छोटा पार्टिकल है, मैटर कंसिस्ट मैटर के अंदर एक इनविजिबल पार्टिकल जिसे एटम कहते हैं, केमिकल रिएक्शन में एटम जो है वो नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड होता है, ऑल एटम्स आर गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल है ना, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास होता है और एक ही एलिमेंट का सेम मास होता है, तो ये तीनों बातें तो डाल्टन ने कही थी, पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, ये गे-लुसैक ने कहा था, डाल्टन ने नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इतने मिलीग्राम O2 डिसॉल्व किया है लीटर वाटर में जिसकी डेंसिटी ये है, कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm निकालना है आपको, कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व, किया था किसी ने भी? Yes, ma'am. आपके पास O2 डिसॉल्व किया है, इतना मिलीग्राम डिसॉल्व किया है बच्चे, मिली 10 पॉइंट बता दो भाई, कैसे किया था भाई, जहांशु जो बताओ किसने बोला भाई, यस मैम करें, कर लूं ये, करो करो फटाफट से करो, जल्दी बताओ भाई कैसे करेंगे। द कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm पूछा है, ppm में आपका जो फॉर्मूला होता है वो अगर निकालना हो तो क्या होता है, मास जो भी आपका गिवन मास है उसको आप ऊपर रखते हो, टोटल मास ऑफ माइक ऑफ रखो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आप नीचे रखते हो, ठीक है। अरे कौन है भाई, माइक ऑफ करो, मुझे करना पड़ेगा नहीं तो यहाँ से ऑफ। मैम जस्ट 10 सर, कैसे किया जल्दी बताओ फटाफट से, दीप्ति तुम्हारा हुआ 10 पॉइंट Yes, ma'am, 10 answer. कैसे आया जल्दी बताओ, 10.0 मिलीग्राम ऊपर रखा, Yes, ma'am. नीचे क्या रखा जल्दी बताओ फटाफट से, 10 कैसे कर दिया भाई आंसर अपने आप निकाल के, ऐसे ही तुक्का मारा है क्या जो बता रहे, बता रहा हूँ सुन तो लो, रो मत, 10.30 मिलीग्राम ऑफ O2 डिसॉल्व इन अ लीटर, क्या लिखा है, इन अ लीटर, हाँ तो यानी कि आपको एक लीटर दिया हुआ है, तो यार डेंसिटी की बने मास निकाल सकते हो आप, बोलो बोलो चलो तुम बोलो जहां जो तुम बोलो, 10.30 मिलीग्राम ऑफ, क्या कह रहे हो मैम, पहले आप बता दो फिर मैं बता दूं, नहीं नहीं जहांशु मैं सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा भाई, जल्दी से बताओ फटाफट से, मुझे फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है जो कल के एग्जाम से रिलेटेड है, बाकी तुम कल के एग्जाम में रॉक करना। नो मैम मेरे से नहीं होगा, आई एम सॉरी। और किसने किया था अभी, किसी ने, श्रेया तुमने किया बच्चे, मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आपके पास 1 लीटर वॉल्यूम है बच्चे, इस क्वेश्चन को 1030 हाँ 1030 आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी कैसे आया थे भाई, जैसे समझ में ना आया हो जरा ध्यान से सुनो, आपके पास मास ऑफ O2 तो है कितना, 10. कितना था, 30 मिलीग्राम, मिलीग्राम में है तो इसको पहले तो कन्वर्ट कर लो ग्राम में, 10.3 मल्टीप्लाई बाय 10^-3 10^-3 ग्राम, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको किससे, मिलीग्राम से ग्राम में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया।
अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि वो ये डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मास गिवन, मास आपको नहीं पता, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, 1 लीटर है। डेंसिटी कितनी थी? 1.03। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, मास ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 1000 मिलीलीटर। आपने मास ऑफ सॉल्यूशन जो है जितना भी है वो निकाल लिया भाई, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया आपके पास निकल के? 1030 ग्राम। क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछा क्या था, उसने मुझसे व्हाइट वाले पेज पे लिख दूं दिख जाएगा, उसने मुझसे क्वेश्चन में जो पूछा था वो पूछा था कि बताओ पीपीएम में कितना होगा। पीपीएम के लिए आप इसको 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करते हो? 10 की पावर 6 से करते हो। ठीक है। Yes, ma'am. कितना आंसर आया? आपने इसको लिखा ऊपर 10.30 10 की पावर -3 अपॉन में 1030 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 करा, तो आपने जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 ये कैंसिल हो गया इसका, इससे 10.30 से ये इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 10 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, ये आंसर आपका आ गया इसके लिए 10। चलो अब एक क्वेश्चन तो करके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, कहीं वो छूट ना जाए और मैं बातों बातों में भूल ना जाऊं। फटाफट से देखो, अगर आपके पास 2 ये है, 3 मोल 3 बी है, गिव्स आपको 4c + 4d है भाई, ये तो पता है इन दोनों का रेशियो सेम ही रहेगा, ये बात पहले पिछली क्लास में बताई थी, आया ना? Yes, ma'am. कि आपके पास जो रेशियो है वो दोनों का क्या रहता है यहाँ पर, प्रोडक्ट का जो इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है भाई, इसके जो प्रोडक्ट आएंगे उनमें भी इसका रेशियो इतना ही रहेगा चाहे मैं कुछ भी डाल दूं। मगर अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 मोल A लिया है, 1 मोल A एंड 1 मोल B टेकन, तो विच इज लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से, कौन एक्सेस में बचेगा बता सकते हो? कौन एक्सेस में बचेगा? A एक्सेस में बचेगा या लिमिटिंग रिएजेंट है? चलो अभी देख लेते हैं कौन है। अगर आपके पास 1 ये 2 मोल A है, 2 मोल A के हैं, तो बी के कितने मोल होने चाहिए? 3 मोल। और अगर 1 मोल A है तो बी के कितने होने चाहिए थे? 1.5 मोल होने चाहिए, है ना भाई? A के अगर 2 हैं तो आपके पास 3 मोल B के हो रहे थे, ये बात क्लियर है ना अर्पिता? जो ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, मैं ये लेती हूँ आगे से, ठीक है भाई? निधि, है ना? तो भाई सोना और ज्योति चली गई कि है यहाँ पे? ज्योति तुम कुछ बोलती नहीं क्या? ज्योति चौरसिया, तो 1 मोल अगर A है तो B के 1.5 मोल होने चाहिए थे, तो आपके पास जो ये इधर मेरे पास बी के कितने मोल है? 1 ही मोल है, तो आपके पास होने कितने चाहिए थे? 1.5, पर 1 ही है, और लिमिटिंग रिएजेंट तो मेरा बी निकल रहा है। यस मैम, है ना? बोलो भाई हाँ या ना? ए के 1 मोल है, 1.5 होने चाहिए थे, पर है एक्चुअल में मेरे पास बी के 1 ही मोल प्रेजेंट है, तो मेरे पास जो बी है वो क्या हो गया बच्चे? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बी। तो वो मुझसे पूछ रहा है, अगर उसने मुझसे पूछा कि एक्सेस में कौन है, तो एक्सेस में कौन है? ए। अगर 2 मोल एक है, बी के कितने होंगे, ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, और या फिर पूछ लिया जाएगा कि ये ए अब जो बचा लेफ्ट कितना रह गया सॉल्यूशन में, तो मेरे पास अगर लिमिटिंग रिएजेंट बी है, बी मेरे पास लिमिटिंग 1.5 होना चाहिए था, 1 ही है, तो मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है भाई? बी मेरे पास क्या बचा है? लिमिटिंग रिएजेंट है, और मेरे पास अगर बी के 3 मोल यूज कितने मोल है? 1 मोल यूज हो रहे हैं बी के, तो एक्स के कितने मोल यूज हो जाएंगे? बी मेरे पास 0.75 हो रहे हैं। अगर मेरे पास x की वैल्यू निकाल लो भी कितना आ रहा है, जब क्लास का एंड होने वाला होता है ना, छुट्टी होने वाली होती है, हाँ कितना आ रहा है? 0.75। ऐसी शैतानियां मत करो भाई क्लास के अंदर। 0.75 मोल आपके ए के यूज हो जाएंगे, कितने बचेंगे निकाल सकते हो? 1.25 बच जाएंगे। यस मैम। चलो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में।
ठीक है, या फिर वो ये पूछ लेगा भाई इन दोनों में से अगर अब बताओ कि ये कितना प्रोड्यूस होगा, सी कितना प्रोड्यूस होगा, अगर वन मोल ए है वन मोल बी है तो ये सी बताओ कितना प्रोड्यूस होगा। तो पहले आपने फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट को हवा में फाइंड आउट मत कर देना, देखना कैलकुलेट करके कि कौन सा वाला जो है वो मतलब एग्जैक्ट पड़ रहा है, ये कौन सा ज्यादा प्रेजेंट हो रहा है, मतलब एक्सेस में कौन है या कम पड़ रहा है। तो वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट पता है ना भाई सबको, एक बार लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाए थे क्लास के अंदर उनको भी कर लेना, तो उस वो डिसाइड करेगा कि ये सी कितना प्रोड्यूस हुआ। चलो भी क्लास को एंड करते हैं। ओके ओके मैम, बाय 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 बाय।